एक ओर जहां अंग्रेजों ने मराठों को दबाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर मैसूर मराठा साम्राज्य को नौच लेना चाहता था। ऐसे में मराठों को एक ऐसा शासक मिला जिसने न सिर्फ अंग्रेजों को सबक सिखाया बल्कि मैसूर को भी उसकी औकात दिखाई। 1775 से 1783 ईस्वी तक इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके एक साल बाद ही 1784 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से युद्ध किया। इसके बाद अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए टीपू सुल्तान द्वारा बलपूर्वक छीने गए मराठा भूभाग को पुनः प्राप्त किया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है पूना में पेशवा प्रशासन के दौरान मराठा साम्राज्य के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शासक रहे नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस को मूल रूप से बालाजी जनार्दन भानु के नाम से जाना जाता था। इनकी चतुराई, शासन की कठोरता और अच्छी कूटनीति के कारण यूरोपीय लोग अक्सर इन्हें मराठों का मैकियावेली कहते थे। नाना फडणवीस की दूरदृष्टि और कूटनीति की बदौलत ही पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा हो पाया था। ऐसे में चलिए जानते हैं नाना फडणवीस से जुड़ी वह बातें जो इन्हें मराठों का मैकियावेली बनाती है। 12 फरवरी 1742 ईस्वी को सतारा के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए नाना फडणवीस के बचपन का नाम बालाजी जनार्दन भानु था। सभी लोग प्यार से उन्हें नाना कहकर पुकारते थे। नाना फडणवीस के पूर्वज मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के साथ श्रीवर्धन के पास वैलास गांव छोड़कर सतारा में बस गए थे। इसके बाद इन्हें पेशवा के कार्यकाल में वित्त मंत्री बनाया गया। मुगलों ने पेशवा को मारने के लिए एक साजिश रची थी, लेकिन नाना के दादा बालाजी महादजी ने पेशवा को बचाने के लिए अपनी बलि दे दी। इसके बदले में उन्हें पेशवा की सिफारिश पर छत्रपति शाहूजी महाराज की ओर से फडणवीस की उपाधि से सम्मानित किया गया। परंपरा के मुताबिक नाना को अपने दादा से उनकी ये उपाधि विरासत में मिली है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद नाना फडणवीस ने एक मंत्री के रूप में प्रमुखता से मराठों को अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति हासिल करने में मदद की, जो पानीपत के युद्ध में काफ़ी हद तक क्षीण हो चुकी थी। इस समय तक मराठा साम्राज्य पूरी तरह से चरमरा गया था। राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। शासन प्रबंधकों का पैसों के लेन देन पर कोई काबू नहीं था। यहाँ तक कि राज्य में बड़े स्तर पर पैसों का गबन हो रहा था। ऐसे में राज्य की कमान पेशवा माधवराव के हाथ में थी। इन हालातों में राज्य व नवनियुक्त पेशवा को सहारा देने नाना फडणवीस आए। उन्होंने शासन प्रबंधन को फिर से दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य के अन्य विश्वासपात्र मंत्री गोपाल राय पटवर्धन, त्रयंबकाय पेठे और रामशास्त्री फडणवीस के साथ मिलकर स्थिति को सही दिशा की ओर बढ़ाया। नाना फडणवीस के मार्गदर्शन में धीरे धीरे पेशवा ने राज्य को राजकोष को पुनः बहाल कर लिया। इसकी बदौलत कुछ समय बाद मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इतना ही नहीं, नाना फडणवीस के दिशा निर्देशों में मराठा सेना ने हैदराबाद के निजाम पर जीत हासिल की, जिसने मराठा साम्राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा को फिर कायम किया, जिसे उन्होंने पानीपत के युद्ध के बाद लगभग खो दिया था। मराठों के चौथे पेशवा माधवराव की मौत के बाद उनके छोटे भाई नारायणराव को पेशवा बनाया गया, मगर नारायणराव अपने भाई के समान समझदार और धैर्यवान नहीं थे। ऐसे में बालाजी बाजीराव के भाई और नारायणराव के चाचा रघुनाथ राव के पास मौका था कि वह शासन पर कब्जा कर ले। आखिर रघुनाथ राव खुद भी तो पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पेशवा नारायण राव के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। लेकिन रघुनाथ राव और पेशवा के बीच नाना फडणवीस खड़े थे। इन्होंने एक एक कर रघुनाथ राव की कई चालों को बेअसर कर दिया और एक रोज 1773 में रघुनाथ राव ने एक साजिश के तहत नारायण राव की हत्या कर दी और फिर रघुनाथ राव खुद पेशवा बन गए। लेकिन दूसरी ओर नारायण राव की पत्नी गंगाबाई
उस समय गर्भवती थी और नाना फडणवीस चाहते थे कि उनका वारिसी पेशवा बने। इसलिए नाना फडणवीस ने बारबाई षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उन्होंने अपने अलावा 11 अन्य मराठा सरदारों को एकत्रित किया जो रघुनाथ के विरुद्ध थे। इन्होंने बारबाई काउंसलिंग का निर्माण किया और रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटाकर 40 दिन के अंदर माधवराव द्वितीय को नया पेशवा नियुक्त कर दिया। हालांकि माधवराव केवल नाम के ही पेशवा थे, जबकि असल में शासन की कमान नाना फडणवीस के हाथों में थी। नाना फडणवीस दूरदर्शी थे। वह इस बात से भलीभांति परिचित थे कि मराठों के सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारी है। इसलिए नाना फडणवीस ने इन पर नज़र रखने के लिए गुप्त जासूसों का एक विभाग बनाया जो इनकी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नज़र रखता था। लिहाजा अंग्रेज भी जानते थे कि फडणवीस उनके लिए एक बड़ा खतरा है और उनके रहते वह मराठा साम्राज्य को तोड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कई बार फडणवीस को बदलने की बात पेशवा के समक्ष रखी, मगर उन्हें कभी भी समर्थन नहीं मिला। इसी बीच मराठा साम्राज्य के गद्दार शासक रघुनाथ राव ने एक बार फिर से पेशवा बनने की कोशिश की। इसके लिए उसने अंग्रेजी सेना की मदद ली और मराठों पर हमला बोल दिया। लेकिन नाना ने समझदारी दिखाते हुए निजाम और भोंसले से संधि कर ली, जिसके चलते युद्ध का अंत संधि के रूप में निकला। साल 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई, जिसके बाद भी अंग्रेजों ने कई बार मराठों को हराने की कोशिश की, लेकिन नाना की कूटनीति के आगे उनकी एक न चली और उन्हें कई बार मुंह की खानी पड़ी। नाना फडणवीस ने कभी भी किसी भी पद या उपाधि की कामना नहीं की। उनकी रुचि केवल मराठा साम्राज्य की प्रगति में थी। जब जब राज्य में अस्थिरता आई, नाना फडणवीस ने हालातों पर काबू पाया और उन्हें फिर से स्थिर किया। इसी बीच 13 मार्च 1800 ईस्वी को नाना फडणवीस की मौत हो गई। इसी के साथ मराठा साम्राज्य भी कमजोर होता चला गया। इसके बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य की नींव हिला दी और फिर धीरे धीरे मराठा साम्राज्य को उखाड़ फेंका। तो दोस्तों, यह थी नाना फडणवीस की पूरी कहानी। नाना फडणवीस के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।